अस्सलाम वालेकुम, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल हैदराबादी टंग्स किचन। आज हम चुके की भाजी बनेंगे। इसको धो के रख ली मैं, इसके साथ मैं सोए की भाजी भी डाल रही हूँ। अगर आप नहीं पसंद तो मत डालिए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। कुकर ले ली मैं, कुकर में हम प्याज डाल देंगे, तो मीडियम साइज़ की प्याज ली मैं। अब हम इसमें गोश्त डाल देंगे, 1.5 किलो जितना गोश्त ली मैं। अब हम इसमें हल्दी पाउडर डाल देंगे 1/2 स्पून, लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे 2.5 स्पून डाली मैं। आप लाल मिर्च पाउडर आप अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिए। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे 1 स्पून, नमक डाल देंगे 2 स्पून, नमक भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए। अब हम कुकिंग ऑयल डाल देंगे, अब हम इसको थोड़ी देर के लिए मिर्ची की स्मेल जा ख़त्म होए तक भून लेंगे इसी तरह से। ये देखिए मिर्ची की स्मेल ख़त्म हो गई इसमें की। कुछ देर तक भून लेना बिना पानी डाले। अब हम इसमें एक बड़े साइज़ का टमाटर डाल देंगे कट करके, कोथमीर डाल देंगे थोड़ी सी। अब हम इसमें पानी डाल देंगे, 1 गिलास जितना पानी डाल रही हूँ मैं। अच्छा सब चीज़ों को मिला देंगे हम इसको। अब हम इसको 2 से 3 सीटियाँ होने तक पका लेंगे। 2 से 3 सीटियाँ होंगे चेक कर लेंगे हम। अब हम इसको टमाटे और प्याज को भून लेंगे अच्छे से। ये देखिए अच्छे से भुने गई, प्याज और टमाटे भी भुने गए। अब हम इसमें चुके की भाजी हम जो धो के रख लिए थे वो डाल देंगे। ये भाजी अब अच्छे से मिलाएंगे हम। बहुत मज़े की बनती है, खट्टी खट्टी अच्छी बनती है भाजी। जब भी आप चुके की भाजी बना रहे हो तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए। अच्छे से मिला लेंगे हम भाजी को। अच्छे से मिक्स हो गई भाजी पूरी। अब हम इसमें पानी डाल देंगे, फिर से 1 गिलास जितना पानी डाल रही हूँ मैं। पानी डालने के बाद में फिर से मिला लेंगे। अब हम कुकर का ढक्कन लगा के फिर से हम 3 से 4 सीटियों के लिए पका लेंगे। तीन से चार सीटियाँ हो गए। अब हम फिर से गैस की फ्लेम को ऑन कर लेंगे। अब हम भाजी को अच्छे से भून लेंगे। जो भाजी के काड़ियाँ वगैरह रहते देखिए इस तरह से रहते, ये भी पूरी तरह से गल जाते। अब हम इसको अच्छे से भून लेना, भाजी के काड़ियाँ और भाजी कुछ भी नहीं दिखना, उस तरह से भून लेना हम। अब हम इसमें 5 हरी मिर्चें चीर के डाल देंगे स्लिट करके। ये देखिए अच्छे से भुने गई भाजी, कुछ भी नहीं दिख रहा भाजी के अंदर, काड़ी वगैरह पत्ते कुछ नहीं दिख रहा, अच्छा भुने गई भाजी। इस तरह से भून लेना। अगर आपको
इतनी थिक होना है तो आप पानी मत ऐड करिए, अगर आपको लूज़ होना है तो थोड़ा पानी ऐड कर दीजिए। अब हम इसको तेल आने तक दम पे पका लेंगे 5 मिनट के लिए। तो ये थी आज की रेसिपी गोश्त चुके की भाजी की। पूरा वीडियो आपको देखने के बाद रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इसको हम कोथमीर से गार्निश कर लेंगे। बहुत अच्छी बनती चुके की भाजी और गोश्त का सालन, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी, बहुत लूज नहीं रखना है इसको। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।